आपने सुना होगा नथिंग अपने स्मार्टफोन लॉन्च करता है, लेकिन नथिंग का ये एक सब ब्रांड है CMF, और ये जो है ये TWS और ये नेक बैंड बनाते हैं, ये नथिंग का ही सब ब्रांड है। हालांकि ये इन्होंने अपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है CMF TWS। इसका जो प्राइस है 2200 के आसपास आपको मिलेगा, लेकिन इसमें आपको तगड़ी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। हालांकि इसके प्राइस पॉइंट पे मतलब 2000 के आसपास कई ऐसे नेक बैंड आते हैं या फिर TWS आते हैं जो इस प्राइस पॉइंट पे आपको इतनी सेम लेवल की तगड़ी स्पेसिफिकेशन देते हैं, लेकिन इसमें जो है कुछ नया अट्रैक्टिव देखने को मिल जाता है। एक नए ब्रांड का प्रोडक्ट है, नए तरीके से आता है, इस वजह से अब देखते हैं इसमें क्या क्या हमें अच्छी चीजें मिल जाती है, क्या क्या हमें नहीं मिलता है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे हमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, मतलब तीन कलर में आपको ऑप्शन मिल जाता है। पहला है ऑरेंज, दूसरा है लाइट ग्रे और तीसरा है डार्क ग्रे। तीन में आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप अपनी पसंद के हिसाब से ज्यादा मतलब कोई भी आप कंसिडर कर सकते हैं कौन सा हमें लेना चाहिए। और इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें सबसे पहले हमें ब्लूटूथ यहाँ पे 5.3 मिल जाता है, मतलब ये लेटेस्ट 2024 का और ये 5.3 लेटेस्ट वर्जन पे आता है। वायरलेस की आप रेंज बात करें तो यहाँ पे पहले 10 मीटर मिलते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो कंपनी जो है 15 मीटर तक के एक्सपेंड कर चुकी है, यहाँ पे 15 मीटर तक यहाँ पे वायरलेस रेंज देखने को मिल जाती है। वहीं बैटरी लाइफ बात करें तो यहाँ पे 35 घंटे का बैटरी लाइफ यहाँ पे दिया गया है, मतलब कि 4 से 5 घंटे तो वो चलेगी। प्लस उसमें जो केस है, केस में आप चार्ज करके 35 घंटे तक का बैटरी बैकअप निकाल सकते हैं। वहीं हम इसके मतलब जो वॉइस की मतलब जो एक्टिव वॉइस है जो यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन दिया है वो 42 डेसिबल तक की दी गई है, जो की एक काफी अच्छी बात है। मतलब आप बात करेंगे रोड साइड में तो आपकी जो वॉइस है वो 42 डेसिबल तक की मतलब नॉइस जो है वो हटा देगा, मतलब इसी वजह से आप जो बात करेंगे सामने वाले को आवाज जाएगी वो काफी ज्यादा तगड़ी जाएगी। वही हम बात की इसमें 12 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें साउंड जो है काफी ज्यादा मजेदार, क्रिस्पी एंड क्लियर देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ पे बेस के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर बेस इसमें हल्का दिया गया है, लेकिन मतलब काफी अच्छा खासा बेस दिया गया है, जिसको क्वालिटी जो ओवरऑल अच्छी निकल के आती है, जो वोकल्स वगैरह वो साफ सुथरे क्लियर समझ में आते हैं, रिदम में ये अच्छी आती है। लेकिन यहाँ पे आप बेस एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि इनका इक्वलाइजर है, जो आपको ऐप का भी सपोर्ट मिलेगा, एक उसमें ऐप में जाके आप इसके इक्वलाइजर से बेस या फिर वोकल्स वगैरह काफी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं कि मुझे इस तरीके का म्यूजिक पसंद है, या फिर आप सॉन्ग के हिसाब से अपने वोकल्स वगैरह जो है वहाँ पे बेस वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये काफी अच्छी बात बन जाती है, हर कंपनी ये चीजें नहीं देती है। प्लस यहाँ पे हमें हाई क्वालिटी साउंड के लिए यहाँ पे बायो फाइबर डायफ्राम फॉर हाई साउंड वॉल्यूम के लिए यहाँ पे दिया गया है, जिसकी वजह से साउंड जो है काफी ज्यादा मजेदार आता है। प्लस यहाँ पे अल्ट्रा बेस टेक्नोलॉजी देखने को मिले तो मतलब आप बेस में काफी अच्छा छेड़छाड़ कर सकते हैं, ऊपर नीचे कम ज्यादा कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप 10 मिनट में इसकी जो बैटरी लेवल है आप 10 मिनट चार्ज करेंगे तो आपको 7 घंटे तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। मतलब बात यहाँ पे ये आती है कि आपको कहीं जाना है, TWS पूरे के पूरे डाउन है, तो आप बस 10 मिनट के लिए उसको चार्जिंग पे लगा दीजिए, आपको 7 घंटे तक का प्लेबैक देखने को मिल जाएगा। हालांकि 10 मिनट से आप ज्यादा लगा देंगे, मतलब 30-30 मिनट तक भी लगा देंगे तो ये हाफ से ज्यादा चार्ज हो जाएगा, मतलब आपका तो फुल काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसकी बैटरी जो लाइफ है काफी ज्यादा तगड़ी है, और इनमें जो नया सिस्टम निकला है फास्ट चार्जिंग का, जो कम समय में ज्यादा चार्ज होते हैं, काफी ज्यादा अच्छा मतलब यूजफुल है। कि मेरे पास भी एक है, मतलब M2 है, ओप्पो का ही M2 जो ईयरबड्स आता है, सॉरी नेकबैंड आता है वो है, उसमें भी यही सेम टेक्नोलॉजी है, तो काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है जब आप बात कर रहे हो या फिर आपका जो नेकबैंड या फिर TWS डाउन हो जाता है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको 7 घंटे या फिर 10 घंटे का प्लेबैक देखने को मिल जाता है। और इस कंपनी के TWS पहले भी आए थे, जो कि कुछ ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से मतलब इसका जो बॉक्स वगैरह बनता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे कलर के हिसाब से बॉक्स दिया गया है, और जो है ये अच्छा TWS आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे यूनिक डिजाइन है, जो यहाँ पे इसके बॉक्स में जो रॉड दिया गया है आप इसका राउंड मतलब घुमा सकते हैं, जो सेम मतलब काफी यूनिक डिजाइन है और काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसमें जो TWS की क्वालिटी ये भी काफी बढ़िया है, ये जो प्लास्टिक से बने हुए हैं लेकिन क्वालिटी जो है काफी तगड़ी है, और इसमें जो स्पेसिफिकेशन है ये भी काफी तगड़े हैं। यहाँ पे जो नॉइस कैंसिलेशन दिया गया है वो भी काफी अच्छा है, 42 डेसिबल तक का है, आप मतलब क्लियर हो जाएगा नॉइस वगैरह के मामले में, साफ सुथरा मतलब क्लियर आपको सामने वाले को जो आवाज जाएगी वो अच्छी जाएगी, कोई भी रोड साइड की जो भी बेकार सी वॉल्यूम होती है, आवाज होती है, वो सब नहीं जाने वाला, आपकी जो मुंह से निकलेगी वो आवाज वही जाएगी बिल्कुल क्लियर तरीके से। और इसका जो प्राइस है ये 2299 के आसपास आता है, और आप इसे मतलब ऑफर लगाएंगे तो आपको 2000 के आसपास, अभी इसका रेट कम भी होगा 1-2 महीने बाद, 3-4 महीने बाद इसका रेट जो है कम होता है, क्योंकि नथिंग ने पिछले इसमें भी यही किया था, जो प्राइस है वो कम कर देता है बाद में, अभी बढ़ा के रखा है। आप इसे खरीद सकते हैं, काफी अच्छे TWS है। आई होप आपको अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।